मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके ऊपर भी और इनके स्कूल के बच्चों के द्वारा उनकी जो फ़ोटो बनाई गई, लगता था कुछ फ़ोटो तो ऐसी थी कि लगता था कि हु टू मुलायम सिंह है। और मुलायम सिंह ऐसे व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति ने, जब भी कलम उस व्यक्ति के हाथ में आई, गरीब मजलूम अल्पसंख्यक समाज के हर वर्गों के लिए कलम चलाने का काम किए। इस वक्त मैं शम्स मॉडल स्कूल के प्रांगण में मौजूद हूँ और यहाँ पे आपका पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कला प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह था। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक माननीय सुहेब अंसारी, विधायक मोहम्मदाबाद को आना था, रास्ता से चल चुके थे यहाँ आने के लिए, लेकिन किसी कारण के बस बहुत ज़रूरी की वजह से वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजा है झन्ने खान, मैं उनसे बाद में करूँगा। लेकिन इस स्कूल की सबसे सीनियर टीचर और इस प्रोग्राम की संयोजक श्रीमती ललिता यादव जी हैं। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये प्रोग्राम आयोजन किया था मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कला प्रतियोगिता, क्या सोच के किया था आपने, क्या चाहती थी उनका, क्या आपको मैसेज मिला था आपको ये प्रोग्राम कराने की सोचा आपने? हमने यही सोचा था कि ये बड़े मुख्यमंत्री थे और बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए कला प्रतियोगिता बच्चों से कराया गया है कि उन लोग पर भी कुछ असर पड़े। अच्छा मंत्री थे और अच्छा मंत्री, रक्षा मंत्री जब तक से बने तब तक से जो भी बाहर में कोई भी व्यक्ति मर जाते थे तो उनकी लाश गांव में आ जाती थी, आ जाती है और आज भी आ रही है, इसलिए रक्षा मंत्री का नाम रोशन करने के लिए प्रोग्राम किया जा गया है। अभी हम शम्स मॉडल स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ है। पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव कला प्रतियोगिता, इस प्रोग्राम में शरीक जो हुए थे आपके मुख्य अतिथि के बतौर प्रतिनिधि, कई बार रह चुके प्रधान और यहाँ के मशहूर सामाजिक कारकुन कलीम खान उर्फ झन्ने, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम को देखा है आपने, बच्चों की कला को भी देखा है आपने, क्या महसूस किया है आपने, इसके बारे में बताएं आप। आज शम्स मॉडल स्कूल में माननीय विधायक जी का कार्यक्रम था, अचानक उन्हें रास्ते में कहीं जाना पड़ा, मुझे फ़ोन करके कहे कि आप जाइए वहाँ उस कार्यक्रम में शामिल होइए। मेरा भी बहुत अच्छा सौभाग्य हुआ, शम्स मॉडल स्कूल के बारे में बहुत कई कार्यक्रमों को यूट्यूब मोबाइल के माध्यम से देखता था और जो प्रबंधक खान जावेद साहब और उनकी मोहतरमा जो बुनियाद और जो चीज सोचकर इस भवन को तैयार किए हैं, जिस तरह के बच्चों को तालीम दी हैं, आज मैं इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत खुश हुआ। इन्होंने जो कला प्रतियोगिता रखे थे माननीय मुलायम सिंह यादव जो रक्षा मंत्री रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके ऊपर भी और इनके स्कूल के बच्चों के द्वारा उनकी जो फ़ोटो बनाई गई, लगता था कुछ फ़ोटो तो ऐसी थी कि लगता था कि हु टू मुलायम सिंह है। और मुलायम सिंह ऐसे व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति ने, जब भी कलम उस व्यक्ति के हाथ में आई, गरीब मजलूम अल्पसंख्यक समाज के हर वर्गों के लिए कलम चलाने का काम किए। जब ये रक्षा मंत्री थे
इससे पहले हमारे भाई भतीजे बॉर्डर पर शहीद हो जाते थे, देश के लिए कुर्बानियां दे देते थे, लेकिन उनके गांव में कुछ पता नहीं चलता था। दो महीने एक महीने के बाद कहीं से उनकी राख आ जाती थी या उनकी वर्दी आ जाती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव वो व्यक्ति थे जो ज़मीन से जुटे थे, वो जानते थे क्या दर्द है। और जब शहीद रक्षा मंत्री थे तो शहीदों को उन्होंने आदेश किए कि इनकी लाश उनके गांव में जाएगी, राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा। आज उन्हीं की कलम की ताकत है कि हमारा भतीजा, हमारा भाई, हमारा कोई भी व्यक्ति देश की आज़ादी में कुर्बान होता है, शहीद होता है, उसकी लाश सम्मान के साथ आती है और सम्मान के साथ जिस वर्ग का होता है उस वर्ग के हिसाब से दाह संस्कार किया जाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं। जिस व्यक्ति ने बैकवर्ड कमज़ोर लोगों को इस प्रदेश में बोलने और चलने की ताकत दिया, संविधान में हमारे पास अधिकार थे, लेकिन मुलायम सिंह जब आए तो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किए, महिलाओं के साथ साथ सब वर्ग के लिए आरक्षण किए, जो कभी कोई सोचता नहीं होगा कि इस गांव में कोई दलित का बेटा मुख्य प्रधान बन जाएगा और इस दलित का बेटा इस ज़िले का चेयरमैन बन जाएगा, लेकिन उनकी कलम की ताकत है। आज उनकी कलम चली तो गाजीपुर के चेयरमैन के पद पर सीमा यादव जैसी महिला भी चेयरमैन बनी। उनकी कलम की ताकत थी, यही मोहम्मदाबाद ब्लॉक है जो चंदा यादव बनी। उनकी कलम नहीं चली होती तो यहाँ कभी भी कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाता। भावरकोल की बात लीजिए तो भावरकोल में भी वही लोग बनते थे ब्लॉक प्रमुख जो उस क्षेत्र के सामंत विचार के थे, उनके आगे कोई पर्चा न भरे, लेकिन मुलायम सिंह की कलम की ताकत थी कि वीरेंद्र यादव भावरकोल के प्रमुख बने। तो मुलायम सिंह को जितना कहा जाए वो भी कम है, हर वर्ग के लिए उन्होंने अपना काम किया, योगदान किया, अपने लोगों का सम्मान किया, अल्पसंख्यकों के उर्दू को बढ़ावा करने के लिए उर्दू अनुवादक का पद बनाया, जो हमारे लोग उर्दू को भूलते जा रहे थे उसको पढ़ना शुरू किए कि कल हमें नौकरी मिल जाएगी, उस आधार से नौकरी भी मिली। हम सबसे बड़ी मुलायम सिंह के ज़माने में हम अल्पसंख्यक जितना सीना तान के रहते थे, आज बड़ी याद आती है। वह व्यक्ति हर समाज का हीरो था और आज हम लोग के बीच में नहीं है। आपने जो देखा यहाँ की प्रतीकता को जो देखा आपने, इस फन में कितना आप संतुष्ट हुए मुलायम सिंह का? जी, मुलायम सिंह की फ़ोटो कम से कम 20-25 फ़ोटो मैंने देखा, बहुत संतुष्ट है। बहुत बच्चों ने बहुत अपने दिमाग से उनके चेहरे को उभारने की कोशिश किया, जैकेट जिस तरह से गर्दन तक खोले रहते हैं, बटन खोले रहते हैं, वो भी दर्श में आया, जो उनके चेहरे पर आँखों के नीचे रुसवाइयाँ आ गई थी, झुर्रियाँ, वो भी बच्चों ने दर्शाया, माथे पर सिकन भी दर्शाया। बहुत अच्छे बच्चों ने मुलायम सिंह को हुटू कहा जाता है ना, XYZ एकदम उसी में ढालने की कोशिश किए, और वो बच्चे कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे थे, बहुत अच्छा। ये बच्चों इन बच्चों ने जो बनाया था बिना देखे बनाया था, कि आपका क्या कहना है भाई? आप के स्कूल के बच्चों ने, यह सच्चाई है कि वो देखकर कोई फ़ोटो नहीं बनाए, अपने आप बनाए हैं। वो जितनी भी तारीफ़ की जाए इन बच्चों की वो कम है। और मैं उन बच्चों के साथ साथ इस विद्यालय के संयोजक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य, इस स्कूल में जो भी अध्यापक मेहनत कर रहे हैं, उन सब की मेहनत है। जब सभी लोग मेहनत करते हैं तभी कोई स्कूल आगे बढ़ता है। मैं जहाँ आया यहाँ सुना, और इससे पहले भी सुनता था कि खान जावेद साहब की पत्नी जो रात को घूमती हैं, बच्चों को देखती हैं घर में कि पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, जगाने का काम करती थी। आज मैंने महसूस किया ये कुर्सी पर बैठ के यहीं से बच्चों के नाम और उनके बाप और उनके दादा का नाम जान रही है, तो ये रजिस्टर से नहीं पता चलता होगा। ये ज़मीन पर जब घूमती होंगी कि जुलेखे के बाप का क्या नाम है,
तब ये जानती होंगी। तो ये इनकी यहाँ से मैं अनुभव यही किया कि ये सच्चाई है कि जो लोग कहते थे कि ये घूमती हैं, बच्चों के घर घर जाती हैं कि बच्चे शाम को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब जाएंगी तो ये पता चलेगा कि उसकी माँ का क्या नाम है, उसके भाई कैठो हैं, उसके बाप का क्या नाम है। तो ये हकीकत है कि इनकी ज़मीन फैली है। मैं यही कहूँगा अपने क्षेत्र के विधायक जी से, अपने क्षेत्र के सांसद जी से कि ऐसे स्कूलों को सहायता मिलनी चाहिए, मदद मिलनी चाहिए, जिससे दिन रात ये स्कूल आगे बढ़े। जबकि ये बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, तहसील के तो करीब है लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ है। एक बड़की बस भी नहीं आती है, टेम्पुए से आना है नहीं तो मोटरसाइकिल से आना है, कोई मेन रोड से जुड़ा नहीं है, इसलिए बहुत पिछड़ा हुआ गाँव है। हम प्रतिनिधि सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि ऐसी संस्थाओं पर ख्याल करना चाहिए। और अभी आपने सामाजिक कार्यक्रम झन्ने खान साहब से बातें सुनी, शम्स मॉडल स्कूल के कारनामों को आपने परखा है, जाना है, और यकीनन ये सच्चाई है कि शम्स मॉडल स्कूल पूरे जनपद में उसकी प्रधानाचार्य प्रिंसिपल कम से कम 15-20 गांव के व्यक्तियों का दरवाज़ा किधर है इसको जानने वाला पहचानने वाली कोई प्रिंसिपल है तो शम्स मॉडल स्कूल की प्रिंसिपल राजदा खातून है। और उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा जो ये मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कला प्रतियोगिता करा कर करके उनके जन्मदिन के अवसर पर आपने पूरे क्षेत्र इन्हें पूरे भारत के लोगों को एक संदेश दिया है कि मुलायम सिंह एक महान पुरुष थे, उन्हें हमें हम लोगों को याद करनी चाहिए। E72 न्यूज़ से जावेद बिन अली।